हरि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सिद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनावु। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल प्रथम अध्यायर 198 पृष्ठार एक अंश जेकि महापुरुष कहते बाबूरे जे उत्कल मध्य स्थाने स्थाने बाबू परीक्षा जा करी उत्कल क्षेत्र जो अनेक स्थान सब रही सिद्ध स्थान मालिका वर्णित सिद्ध स्थान से स्थान रे भक्त महत परीक्षा हे। महापुरुष सीत भी कह बाबू रे महत परीक्षा बाबू रामचंद्र तोते मु देली बुझाई। समय महतम लोक मान परीक्षा हे को स्थान अनेक आलोचना आम करे विगत अध्याय गुड़ी करे आउ को स्थान महापुरुष कहते ना टिकरा गोहिरी पुणी जगत सिंहपुरे परीक्षा होइब उआ खिया पड़िया। जगत सिंहपुर रही जिले में उआ खिया पड़िया गोहिरा टिकरी कथा आम आलोचना करदे भद्रक जिला अतीत अध्याय आम गोहिरा टिकरी विषय सम्यक सूचना आपण मानक कि गोहिरा टिकरी विषय आहरी अनेक अलौकिक कथा रही मालिका वर्णित गोटे श्रेष्ठ स्थान गोहिरा टिकरी भद्रक जिलार जो गोहिरा टिकरी रे महापुरुष लिखिंट गोहिरा टिकरी हनु देव तीन हनुमान अच्छा एवं से गोहिरा टिकरी महापुरुष कहते जे युद्ध मध्य हेब महाभारत युद्ध 18 दिन युद्ध जो गोटे ओड़ी द्वापर जुगरे बाकी रही कली जुगरे उत्कल विभिन्न स्थान आरंभ हेब एवं सारा विश्व व्यापक हेब किंतु ये उत्कल जो केतोटी अंचल से महाभारत युद्ध आरंभ हेब युद्ध तो बहुत जगह होना जितेबाला तृतीय विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध होता सेत गोटे क्षेत्र उपर होता ना अनेक अंचल पर्यंत व्यापला तेणु ये जो युद्ध टी हेब तर कौन प्रतिदिन कौन गोटे जगार गंडगोल हो ना उत्कल विभिन्न स्थान प्रतिदिन गंडगोल कौटी ये होना तर से महाभारत भाई युद्धर परिस्थिति उत्कल जो जो स्थान सब हेब से सब स्थान मानक भितर भद्रकर गोहिरा टिकरी हूँ अन्यतम तेणु से गोहिरा टिकरी उपर महापुरुष आहरी कौन लिखिं टिकरा गोहिरा बाली पाटणा जे चौद्वार चितारणा 18 क्षमणी जपन मरिबे मातिबे पर्वत माला मातिबे पर्वत माला हे सुजने मातिबे पर्वत माला मातिबे पर्वत माला हे सुजने मातिबे पर्वत माला। शिवकल्पर महापुरुष कहते जो शिवकल्प नवखंड निर्घंट विषय महापुरुष कहते 318 मालिका मध्य नवखंड निर्घंट षोलमंडल भकत रखिए अच्युत करी आंट तेणु से ही शिवकल्प नवखंड निर्घंटे महापुरुष कहले
युद्ध सब क्यों क्यों स्थान हम 18 दिन महाभारत युद्ध जो गोटे ओली जो सब स्थान निरूपण कर उत्कल क्षेत्र तादेह प्रसिद्ध स्थान गुड़िक कण ना गोटे टिकरा गोहिरा टिकिरी आउ गोटे हूँ बालीपाटणा आउ गोटे हूँ चौद्वार चितानला आउ 18 क्षौणी जवन मरिबे माड़े पर्वतमाला 18 क्षौणी ज्ञानी गुड़ी मंडली सुधियाणी 18 दिन महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र रे जो कौरव पांडव मान भितर युद्ध होता 18 क्षौणी योद्धा मान युद्ध करुते सैन्य संख्या कौरव पांडव मान सैन्य संख्या था 18 क्षौणी तेणु ये जो महापुरुष कहते 18 क्षौणी जवन मरिबे माड़े पर्वत मान यगार 18 क्षौणी जवन मरिबे बोली मालिकार आलोचना है कि आम कौन मालिकार नाम शिवकल्पना बखंड निर्घंट तेणु 18 क्षौणी के हिसाब कर जानवे के 18 क्षौणी संख्या के जगार ये मैंने मरवे युद्ध जो हम आहरी तो अनेक स्थान सब रही युद्ध रु निर्दिष्ट स्थान किंतु यही कथा को शिशु आनंद मालिकार नाम है चुंबक मालिकार दुई अध्याय शिशु आनंद मालिका है चुंबक मालिका ये चुंबक मालिकार द्वितीय अध्याय शिष्य बारंग आगे कहते हे बारंग शुण हे बारंग आमे कही बाबू जाई बाबू कही बाबू जाई कोई राती करा कथा कहू समुझाई बाबू कहू समुझाई शुण हे बारंग आम कह बाबू जाए शिशु आनंद कौन हे मोर शिष्य बारंग मु तुमको बुझे कहूँ कण ना गोहिरा टिकरा कथा कहू समुझाई गोहिरा टिकरी कथा कण से गोहिरा टिकरी कथा बोलिए महापुरुष शिशु आनंद की ब्रह्मा कंब पोतीण से गोहिरा आरंभ बाबू गोहिरा आरंभ से स्थान रे होइबे करुण बाबू होइबे करुण कहिले ब्रह्मा खंब पोतीण से गोहिरा आरंभ काहेकि आना गोहिरा टिकरी हेछि भद्रक जिलार गोहिरा टिकरी जो अच्छे स्थान जातु थे देखिक आसबे से स्थान काहेकि आना गोहिरा टिकरी हेला ना ब्रह्मा जो खंब पोती ब्रह्मा पोती शुभ खंब तेणु ब्रह्मा जो खंब पोतिला से गहीर हो गला अनेक गहीर है ब्रह्मा पोती थी तेणु गहीर रु गहीरा गहीरा ये अपभ्रंश है कि गहीर शब्दा हो गहीरा गहिरे गहिरी कहते नहीं से गहिरीटार पा देखुना के अमक जगार तो घर तलू से गोटे गहिरीटे अच्छे से गहिरे बहुत पा तेणु गहीर कहले खाल खाल हो गला तेणु गहीर रु गहीरा टिक गहीर तेणु से गहीरा टिकिरी कहीं ना ना ब्रह्मा जो खंब पोतिले गहीर है गहीरु गहीरा टिकिरी तेणु से कहले ब्रह्मा खंब पोतीण से गहीरा आरंभ लक्षे राजा से स्थान रे होइबे करुण गोटे दुईटी नुह लक्षे राजा से स्थान रे रुंड हेबे जानी अतीतरे जिते बड़े मुकुंद देव राजत्व करुले तृतीय मुकुंद देव ये तृतीय मुकुंद देव जहाँ को महापुरुष कहती बाबूरे से मुकुंद देव को कलापहाड़ गोहिरा टिकरी ठारे मारिथिला तेलंगा तेलंगा मुकुंद देव ना तांगर तेणु से कहले लक्षे राजा ये स्थान रे होइबे करुंड आउ गुप्त महाभारत तई गुप्त भूई बाबू तई गुप्त भूई सेनापति आत जात हेऊ अच्छी तही बाबू हेऊ अच्छी तही
कहले गुप्त महाभारत टई गुप्त भू मालिकारे सदरजमा चकड़ा मड़ाण मालिकारे अच्युतानंद महापुरुष तेरह जन्म शरण मालिकारे एवं शिशु आनंद चुंबक मालिकारे शिशु आनंद पटा मड़ाण प्रमाण अनुजाई ये गोहिरा टिकरी स्थान को गुप्त महाभारत स्थान बोली कहा जाए। ध्यान देवी कथा को लेखिक रखते कहा जाए गुप्त महाभारत ये हम गुप्त महाभारत अटई गुप्त भूं ये गुप्त महाभारत ये हूँ गुप्त भूं कईरा टिकी आनापति आतजात होती सेनापति आतजात हूँ महाभारत युद्ध जो सेनापति उभय पक्षर आतजात हो स्थान कहीं सी युद्धर भूमि से गहिरा टिकिरी निकटर अनति दूर से किसी दूर से रही कौन आम कहते वासुदेव स्थान रही जो वासुदेव बैतरणी नदी में भासी भासी डंगे आसिले डंगे भासी भासी आसिले से बालीपाटना वासुदेव हे ज्ञानीगुणी मंडली सेठे वासुदेव पूजा पाँच अनेक दूर आउ कि दूर पूर्व अच्छी इटुआ ग्राम मालिका प्रसिद्ध स्थान मालिका वर्णित कलिकी लीला भूमि क्षेत्र ये हूँ कौटा ना इटुआ गाँ भद्रक जिलार इटुआ गाँ गोहिरा टिकरी निकट रे से इटुआ ग्राम रे अछंदी अनादि गोसेई जो अनादि गोसेई की स्थापना करथिले कि ना बिकली दास संत महात्मा बिकली दास अनादि गोसेई से बिल मछरे मध्य रही पूजा पाउछन स्थापित सी मालिका वर्णित योजी क्षेत्र से स्थान को जीवा दरकार यहाँ हूँ लीला क्षेत्र तेणु सी जो अच्छा अनादि गोसेई इटुआ ग्राम रे भद्रक जिला गाँ ना है इटुआ दोबल भद्रकर दोबल इटुआ गाँ एवं से महापुरुष कहते प्रतिष्ठा करते उद्धार स्थापना करते बिकली दास प्रतिष्ठा करते स्वर्गत धोई नायक तेणु ये लीला क्षेत्र से महिमा जानी आउे आग को मध्य महापुरुष को जिते कलीजुगर बारण बेला आसब शेष बारण कले शेष बेल कलिक लीला बेला आसब ये स्थान रे भक्त मानकर समागम हब तेणु महापुरुष से कहले धर्मेश्वर राजा तही गुपते रही गुपते सैन्य के सागर रे गुपते रखी बाबो गुपते धर्मेश्वर राजा तो ही गुपते रही मालिकार वर्णित ही अच्छी मालिकार नाम है चुंबक मालिका चुंबक मालिकार द्वितीय अध्याय शिशु अनंत कहते जे हे बारंग ये धर्मेश्वर राजा तो ही गुपते अच्छा सैन्य जे सगरे नहीं गुप्तते रखी कौ सगर ना से वैतरणी नदी आम आलोचना करूचे वैतरणी नदी बही कल कल ना आदर एवं से नदी रे सैन्य को नहीं गुप्त से रखिचन बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की आउ कौन बोले सिद्ध शरीर धारण करीण राजन बाबो करीण राजन जे हो अछंती से सरोवरेण बाबो से सरोवरेण सिद्ध शरीर धारण करी गुप्त सेठारे अछंती हे ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धि जाने ये धर्मेश्वर एठारे गुप्त रे रहिछंती किमिति ना सिद्ध शरीर धारण करी आउ सैन्य जे सागरे घेनी बाहर हो बाबो बाहर हो दुष्ट कुदी न से ही संथ को पालीब बाबो संथ को पालीब सैन्य जे सागरे घेनी बाहर होइब सैन्य सगरे घेनिक बाहर हो सैन्य सगर घेनिक बाहर हो
सैन्य एत थे जे सगर भि परिस्थित परेश भि देखा सगर भि माड़ आसला भि ये अर्थ मैपे यार अर्थ मैंपे महापुरुष कहले दुष्ट को दड़न से सन्थ को पाल दुष्ट दड़न ही सन्थ पालन हे आउ तेर जन अंशुआर संगत रे थीबे बाबो संगत रे थीबे बड़ी महाभारत जो तको आरंभिबे जो तको आरंभिबे तेर जन अंशुआर संगत रे थीबे तेर जन कड़ी लग टिकरा गोहिरी बाली महापुरुष लिखी ये कथा तेर जन कड़ी लग जहाँ तेर जन्म शरण में महापुरुष अच्युत लिखिंट से कथा को शिशुअनंद चुंबक मालिकार कहते तेर जन अंशुआर संगत रे थी कड़ी महाभारत युद्ध को आरंभि सांगे तेर जन अंशीदार थी कली महाभारत युद्ध को सेठारे मध्य आरंभ करी पुणी कहिले कले गोहिराटी कराठारे हाड़ कोड़ा कोड़ा बाबो हाड़ कूढ़ा कूढ़ा ये कथा बारंग चीते मणु थीबु गुढ़ा बाबो मणु थीबु गुढ़ा घटना महापुरुष कहते कली युग शेष समय बारण बेल से स्थान घटव महापुरुष लिखी भद्र जिलार ई स्थान पुणी महापुरुष आहरी कहले शिवकल्प नवखंड निर्घंटे कहे छया नबे शस्त्र रक्त नदी जीव एक गोटी मुख दक्षिण भाग रे टिकरा गोहिरी जही है सुजने टिकरा गोहिरी जही टिकरा गोहिरी जही है सुजने टिकरा गोहिरी जही छयानबे शस्त्र दमन मरिबे रक्त नदी जीव बहिया को एते खोली आम आलोचना करूना हे ज्ञानगोड़ी मंडली आप बुझी आउ एक गोटी मुख दक्षिण भागरे टिकरा गोहिरी जहि जो टिकरा गोहिरी अच्छी सेठार एक गोटी मुख दक्षिण भागरे रही थे पुणी मालिकार नाम है चकड़ा मड़ाण कौन कहले थिरे ना घोर रड़ी हेब टिकरा गोहिरी भय न पड़े अगाड़ी ओड़ब धान पड़ थी तोते मुली बताई तोते मुली बताई हे सुजने तोते मुली बताई तोते मुली बताई हे सुजने तोते मुली बताई चकड़ा मड़ाण रे महापुरुष अच्युत कहते रामचंद्र रे घोर रड़ी हेब गोहिरा टिकिरी थय न पड़े कहीं अगाड़ी उड़ब धान पड़ी थी तोते मु देली बताई घोर रड़ी हेब कौटी सीठारे जो रड़ी द्वारा कि महापुरुष कहते अगाड़ी उड़ीब कौन धान उड़ा हो तो अगाड़ी उड़ब ना भल रे खराब चली से अंचल महापुरुष एक कथा कह तेणु रड़ी देव किए जदि घोर रड़ी हबो ताले से रड़ी देव किए ये कथा कौन मालिकाले महापुरुष मैंने वर्णना करिछन्दि लिखिछन्दि कि हाँ कौन लिखिछन्दि रड़ी देव किए ना टिकरा गोहिरी हनु तिनी रड़ी देव भानु तिनी रड़ी देव रड़ी घाते छत्ता मठ कड़ी जे पड़ब बाबो कड़ी जे पड़बा रड़ी देव किए महापुरुष अच्युत कहते चकड़ा मड़ाण रे ये टिकरा गोईरी हनु तीन रड़ी देव फिर जो हनुमान अच्छा जीवे
ସେଠାରେ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହନୁମାନ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲିକି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ସମୟ ଆସିବ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେବା ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ରଡ଼ିରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଛତା ମଠ ଗଳି ଯେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଛତା ମଠ ଗଳି ପଡ଼ିବ? ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ? କହିଲେ ବୋଧଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଲୀଳା ଯେ ପ୍ରକାଶ, ମଲ୍ଲିକା ତହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲିକା ତହିଁ ଅଛନ୍ତି, ହେ ସୁଜନେ ମଲ୍ଲିକା ତହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାରିକା ନାଥ ଯେ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଗୁପ୍ତରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଡ଼ି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଡ଼ି। ବୋଧଙ୍ଗ ବୋଲି ଗାଁରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯୋଉଠି ମଲ୍ଲିକା ତହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଯେ ଏକ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଗୁପ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଚାଲିଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ତ ଥିବ ନା ସୁଧିଜାନୀ। ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ନିର୍ପଣ ଭକ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତି ତପାବନ ସୀତାରାମ, ବୋଲ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତି ତପାବନ ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଭଜ ପ୍ୟାରେ ତୁ ସୀତାରାମ, ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଭଜ ପ୍ୟାରେ ତୁ ସୀତାରାମ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ସତୀ ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ, ହରି ଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।